गाइस देखिए अभी सुबह सुबह उठ कर बैठ गए हैं सभी। वैसे भी 8 बजे जागती है, अभी 8:45 बज रहे, 9:30 बजे तो फिर से उसे नींद आएगी। पापू क्या है वो? क्या है? ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। हेलो 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 फ्रेंड्स, केम छो जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सॉरी अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग हो गई है, क्योंकि आज मॉर्निंग में तो वैश्वी को भी सर्दी हो गई है थोड़ी, और मुझे भी सर्दी हो गई है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो कुछ काम नहीं किया था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सोचा चलो आप लोगों से मिल लेते हैं। सोनू को देखो, मस्त सो रहा था वहाँ पर बेड पर, जैसे ही मैं अंदर से बाहर निकली तो आकर बैठ गया यहाँ पर। खाना दो सोना, शूच है। आओ हेलो बोल दे, हेलो बोल दे सोना। सोनू को मजा है, बस पूरा दिन अच्छे से सोते रहो। खाना दो। तो चलो सोनू तो खाना खा रहा है, अभी मुझे है ना वैश्वी के कपड़े धोने बाकी हैं, ये सब ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, लेकिन सुबह में नहीं धोए थे तो अभी धो लेती हूँ, क्योंकि मम्मी भी फ्री नहीं है। वो तो मना बोल रहे थे कि सर्दी हुई है तो मत धो, लेकिन अभी वो भी फ्री नहीं है, चाय बना रहे थे और कपड़े भी फोल्ड करने हैं, सुबह में इतने सारे तो धो दिए हैं। और वैश्वी को अभी थोड़ा थोड़ा ठीक है, वो सो रही है। शुक्रवादियों इसे देखो, ये लेकर जा रही है, बाल भी नहीं से दे दिए। इन्हें शू करो दी, तो बाल भी तो फेंकी दो, तो कपेरो बने पर इन्हें कचरों को जाते फेंक से। दूर दूर तक लेकर जा रही है अभी भी। अब देख रही है क्या है इसके अंदर, कोई विस्कास का खाली बैग था सोनू का, तो उसे खुशबू आ रही होगी विस्कास की, तो लेकर गई है अभी। सो गाइस आप कपड़ा धोने तो मम्मी बैठ गए हैं। मम्मी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वो मुझे मना बोल रहे हैं, तो मैं अभी कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि वो बाकी हैं, ये आ गए हैं, तो कपड़ा फोल्ड कर लो, पची मैं पार्लर में जाऊँ। चलो हम रेडी हैं। लो ये तो रेडी होते हैं, सोनू को भी कुछ चाहिए, अभी बैठा है। सोनू हर वक्त हर किसी से खाना ही मांगता रहता है, और भगवान उस पर मेहरबान है, जो आता है वो सब उसे खाना देते हैं। पता नहीं सोनू के पेट में कितनी जगह है, सब चला जाता है अंदर। मम्मी ने कपड़े अंदर रखे थे, मैं बाहर लेकर आई, यही धूप में बैठूंगी। सो गाइस फाइनली सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, मम्मी के, मानवीर के, मेरे और वैश्वी के सबसे ज़्यादा हैं। अभी शाम होने को आए, वैश्वी को मम्मी चुला रहे हैं, और मुझे आज पार्लर में जाना था, तो मैं अभी जा रही हूँ पार्लर में, फटाफट से 10-20 मिनट में तो वापस आ जाऊँगी। सो गाइस पार्लर में जाकर आ गई, और ये देखे ये वाली मेरी अंगूठी रिपेयर करवाने के लिए दीपावली पर दी थी, लेकिन वापस लेना ही भूल गई थी, इसमें एक डायमंड निकल गया था, तो जल्द अभी याद आया, सब्जी मार्केट में आए थे तो यहाँ सामने ही है, तो फिर अभी लेकर आए, यहाँ पर लेने आए हैं। सो गाइस हम आ गए हैं घर पर वापस, और देखो पापू मेरा इंतजार कर रही थी, मम्मा का जाग गई थी, है ना पापू? अभी आते आते ना घर पहुँचना है, तभी याद आया कि चलो आज मेथी के गोटे बनाते हैं, तो वापस हम लोग गए थे मेथी लेने के लिए, तो फिर मुझे याद आया दीपावली के टाइम पर अंगूठी दी थी रिपेयर करवाने के लिए, अभी तक नहीं लेकर आए थे, तो बाजू में ही था, तो वही सुनार के पास गए मेरी अंगूठी लेने के लिए। सो मेरी पापू को इंतजार करना पड़ा, मम्मी ने लेट कर दिया है ना पापू, तो चलिए अभी थोड़ा सा कर लेते हैं पापू के साथ टाइम स्पेंड, फिर बनाते हैं मेथी के गोटे। ये देखिए दोस्तों, एक पेशेंट ने हमें गिफ्ट करी है, चुनीलाल भाई नाम है उनका। मैं नाम भी बता देती हूँ, चुनीलाल भाई के बेटे को चेतन इंजेक्शन देने जाते थे तो फीस नहीं ली, तो उन्होंने गिफ्ट करी है। ये क्या है, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। एलईडी लाइट है, पंखे वाली। मुझे लगा कि फैन है छोटा सा, ट्राई करते हैं लगा के जो तो केवल लागे। थैंक यू चुनीलाल भाई, पण तमारे अमने गिफ्ट नहोती आपवी जोईती, नहीं तो अमारी सेवा केम गणाय।
मैंने बहुत मना किया था लेकिन माने नहीं। अब जो भी पेशेंट आते हैं ना तो हम उनकी फीस नहीं लेते हैं, बस ऐसे ही चेतन कर देते हैं। पर मेडिसिन नहीं होती है घर पर, वो लिख कर देते हैं, मेडिकल से ले लेनी होती है उसे। कैसा लग रहा है? मस्त दिख रहा है ना? चेतन को देखो कैसे दिख रहे हैं, ब्राइट ब्राइट। लाइट को देखो, फैन वाली लाइट देखो, वैसे भी देख रही है लाइट को। मम्मी भी देखने आए। चुन्नीलाल भाई आप पूछे, अभी 7:15 और हम खाना बनाएंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ किचन में और आज 14 है तो हमारे जो पितृ देवता है उनकी तिथि है आज, तो खीर बन रही है। और ये देखिए मैं लेकर आई हूँ धनिया, मिर्च और मेथी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था ना, वैसे तो छोड़ कर गए थे, तो फटाफट से फिर मैंने और कुछ नहीं लिया, बस इतना ही लिया और वापस आ गए। मेथी है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिली, मुझे लग रहा है थोड़ी ये पकी हुई है, इसमें फलियाँ आने लगी हैं, ताज़ा ताज़ा थी पत्तू मैंने ले ली है। और ये जामफल क्या बोलते हैं आप इसे, देखिए एकदम मस्त है, ये पहले भी लेकर आए थे, बहुत टेस्टी है। आज तो देखो सब लोग आ गए हैं किचन में, वैश्वी मम्मी और मैं, आज कितने गोटे बनने वाले हैं या फिर बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। वैश्वी मम्मी और तुम, मैं किधर गया? तो हाँ ये भी है, इसे कैसे भूल सकते हैं, पहली बार आज का थंबनेल यही होगा है ना, किचन में पहली बार चेतन। बताओ मम्मी बोल रहे हैं अच्छे से दिखाओ। चल ये क्या कर रहे हैं देखो, लगा दिया काम पे, देखो जल्दी फ्री नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम ढूंढ के लग जाना चाहिए। किसी को लगाने से कोई लगता है क्या? पहली बार ऐसा हुआ है आज, ये देखो। ये ऐसा नहीं कि डॉक्टर है, ये तो सब काम करना चाहिए। देखो मम्मी ने अच्छी परवरिश की है, बोल रहे सब कुछ करना चाहिए कि काम नहीं करना चाहिए। सब काम करना चाहिए सबको। ये देखिए इतने से मेथी और धनिया कट करने थे, इसके लिए इन्होंने 3 चाकू यूज करे हैं, फिर ये सब कटा है। कट तो गया ना, देखो इतना बारीक तो वो भी नहीं काटती होगी, 3 चाकू से कितना बारीक काटा है। So guys, ये मैंने मेथी और धनिया को वॉश कर लिया है और बेसन को भी छान लिया है, छान कर यूज करेंगे ना तो इसमें गुठली नहीं पड़ती है, लंप नहीं बनते हैं, बहुत ही अच्छे से इसका जो बैटर बनेगा वो बनता है। अभी देखो मानवीर बोल रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा गोटा, तो बा उसके लिए बना रहा है, मैंने तो बोला कि नहीं खाना पड़ेगा, तब तो फिर भी क्या बोलते दादी दादी से बना रही वो बना रहे उसके लिए रोटी। खाएगा नहीं तो भूखा सोएगा। अब इसके अंदर मैंने रेगुलर मसाले डाल दिए हैं, 1 चम्मच शक्कर, मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और थोड़ी सी हींग और नमक डाला है। अब मैंने इसके अंदर 5-6 काली मिर्च और अजवाइन उसे थोड़ा सा कूट लिया है और इसे भी डाल दूंगी। वैसे गोटे बनाना तो बहुत अच्छे इजी होता है, और हाँ थोड़े से तल भी डाल सकते हैं मम्मी बोल रहे हैं तो। और ये देखिए ये मैंने बॉस कर लिया है अच्छे से, ये भी ऐड कर लेती हूँ। अब इसमें ना एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये तिल 1 बड़ा चम्मच इतना मैंने डाल दिया है। ये मैंने अदरक और हरी मिर्च को कूट के इसका पेस्ट बना लिया है, यहाँ पर आप लहसुन भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाला है, हाथ ना लगाना पड़े इसलिए मैंने पानी डाल दिया था। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सोडा डाल देंगे, सोडा बस थोड़ा सा डालना है। तो ये हमने सोडा डाल दिया है, अब इसे एक्टिव करने के लिए 1/2 नींबू का जूस मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब इसे फटाफट से हमें हिला लेना है और ये मैंने
तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, हम फटाफट से गोटे बनाएंगे। सब कुछ रेडी था, अभी बनाने थे, तभी वैश्वी ने डायपर गंदा कर दिया है। चलो वैश्वी बहन खुद बैठी है बस आराम से, सो नहीं रही है, जाग गई। अभी एकदम रेडी हो चुका है, तो इसमें 3 चम्मच, 2 या 3 डाल सकते हैं, गरम ऑयल डाल देंगे हम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी के पकौड़े की खुशबू से देखो कौन कौन खींचा चला आया। मानवीर तो मना बोल रहा था, इसे भी मन हो रहा है, खुशबू आ रही है अच्छी, टेस्ट करने वाला है पहले। कैसा है मानवीर? हाँ खरे खरे मानवीर अच्छा है, बढ़िया है। अरे ये सोनू, वो भी पकड़ो की खुशबू से आ गया। सोनू खुशबू आ रही है। आज वैश्वी हमारी है ना खीर खा रही है, देखो भगवान भी वासना ही लेते हैं ना, वैसे ही वैसवी भी वासना ले रही है। हमारी नियाणी तो भाई है, बुआ गई ससुराल और फ्रांसी गई राजकोट, तब वैसवी खीर खाएगी। बाबू दक्षिण आ जाती खाई गई तू? ओ मालिकी दादो भाजी ताजी दाखे नी दक्षिणा ली थी एवी दक्षिणा घड़ती रे दक्षिणा मोटा मजा है रे बता रे आ रही दक्षिणा जो हमें पर मंथ ले से है ना बाबू। गाइस अभी बजने वाले हैं 11 और सब लोगों ने खाना खा लिया और मेथी के गोटे बहुत मस्त बने थे, बहुत मज़ा आ गया और खीर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे भी खीर तो हम सबकी फेवरेट है और गोटा मम्मी पापा बाकी सबके भी फेवरेट है, लेकिन बड़े लोगों को है ना गोटा भजिया ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मम्मी पापा की पसंदगी का था खाना, सो सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और अभी है ना जस्ट अभी वैसवी सो हुई है तो मैं उसे अंदर छोड़ कर बाहर आई हूँ, सोचा वीडियो का एंड कर लेती हूँ, फिर मॉर्निंग में नहीं तो मुझे करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे वीडियो ख़त्म हो जाए, एक बार बाय बाय तो करना ही चाहिए। सो गाइस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, जय भारत। जैसे मैं अंदर जा रही थी ये देखिए सोनू आ गए। सोना छूचे सोनू के लिए चेतन यहाँ पर ब्लैंकेट रख कर गए हैं, अभी इसे मूड आएगा तो बैठेगा नहीं तो नहीं बैठेगा, पर रोज चेतन इसके लिए रखते हैं। अभी पकड़ के बिठाया है तो बैठा तो है, कितनी देर बैठेगा। आज तो बैठ गया मस्त। चेतन को बड़ी फिक्र रहती है सोनू की, तो वो रोज़ यहाँ पर ब्लैंकेट रख कर जाते हैं, पर इसे मूड आता है तो बैठता है नहीं तो नहीं बैठता है, लेकिन आज तो अच्छा
बच्चा बनकर बैठ गया है, है सोनू? इसे है ना अंदर आना होता है, लेकिन ये पूरी रात नहीं टिकता है, कभी भी उसे बाहर जाने का मन करता है फिर भागता है। और अभी वैसे भी छोटी है ना, तो हमें लगता है अभी उसे अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि इसे तो पता नहीं आखिर तो ये जानवर है ना, फिर डर लगता है।